हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है जिसका इंतजार काफी स्टूडेंट को है, शायद आपको भी है, क्योंकि अगर जो भी स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से करस्पोंडेंस एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को इंतजार था कि एडमिशन डेट कब से चालू होने वाला है। यस दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट नोटिस लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप किसी और स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से तो इस वीडियो को उनको भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहली बात आपको बता दूं कि ये जो सेशन है ये कौन से सेशन के बच्चों के लिए है। पहली बात, नोटिस फॉर डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर जनवरी दिसंबर 2023। ये जनवरी से दिसंबर सेशन के स्टूडेंट का एडमिशन का डेट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो एडमिशन है ये सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट के है, मतलब सेमेस्टर पैटर्न के जो स्टूडेंट है उनके लिए। अच्छा, अब आपको मैं कोर्स बता रहा हूं, आपको कोर्स देखना है, ठीक है। कोर्स देखने के साथ साथ आपका डेट कब से चालू हो रहा है, कब तक एक्सटेंड किया गया, आप वो देख सकते हो। साथ ही साथ अगर इसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन अगर आपको खुद भी रीड करना है, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहां से जाके रीड कर सकते हो। दोस्तों, पहली बात है कि FYBA, FYBCOM सेमिस्टर वन एंड सेकेंड CBSE सेमिस्टर पैटर्न का जो स्टूडेंट है, साथ ही साथ SYBA, SYBCOM सेमिस्टर थर्ड फोर CBSE पैटर्न, इसी के साथ साथ MA पार्ट वन। अच्छा, MA पार्ट वन हर कोर्स हिस्ट्री, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, CBSE पैटर्न। फिर MCOM पार्ट वन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर MA पार्ट वन एजुकेशन। इन सभी के जो एडमिशन डेट है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 28 फेब 2023, क्योंकि अभी तक काफी स्टूडेंट को यही नहीं पता कि एडमिशन चल रहा है। दोस्तों, ये एडमिशन डेट को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब एडमिशन पहले से चल रहा है, काफी स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एडमिशन चालू है, ये एक्सटेंड कर दिया गया। सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के बाद कोई भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, एडमिशन क्लोज कर दिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाइए मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर और फॉर्म फिलअप कीजिए। अच्छा, अब ये सुन के वीडियो को कट मत करना और चले मत जाना, इंपॉर्टेंट बात अभी भी बाकी है, चलिए जरा आगे देखते हैं। अच्छा, इनके साथ ही साथ TYBA, TYBCOM सेम फाइव सेम सिक्स CBSE पैटर्न, MA पार्ट टू के एजुकेशन हो या जो भी इधर सब्जेक्ट मैंने ऊपर बताया था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। साथ ही साथ पार्ट टू MA एजुकेशन सेम थ्री सेम फोर या पार्ट टू MCOM सेम थ्री सेम फोर CBSE पैटर्न के स्टूडेंट का जो डेट है वो 10 फेब से लेके 28 फेब तक का है, ठीक है। इनके पास गैप है, अभी भी काफी दिन है। तो दोस्तों, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हो। अब बात आएगा, सर एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसका प्रोसेस क्या है, किस वेबसाइट पे जाके भरना है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको इधर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला, हर एक चीजें इधर बता दी गई है। तो मैं अगर इस वीडियो में ये सब चीजें बताता हूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप सुनने में भी बोर हो जाओगे, तो बेटर है ये आप खुद रीड कर लेना कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या क्या लगने वाला है, हर एक चीजें। अच्छा, अब बात आती है कि ये आप कहां से रीड कर सकते हो, तो दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे देके रखा हुआ है, आप यहां जा सकते हो। और यहां कंटेंट मैंने बहुत स्वीट एंड सिंपल में लिख के रखा हुआ है कि आपको बहुत आसानी होगी, आप इजिली रीड कर सकते हो कि आपको क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या है, तो आप जाके रीड कर सकते हो और वहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो में कमेंट करना, मैंने ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म के रिलेटेड वीडियो पहले बनाया है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके लाइव आप लोगों को दिखा दूंगा, आप फिर उस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मैंने स्टेटस के ऊपर भी वो चीजें डाल के रखा हुआ है व्हाट्सएप पे। दोस्तों, एक चीज क्लियर करता हूँ,
आप मुझे कॉल नहीं करोगे, आप ओनली मुझे मैसेज करोगे और जब मैं फ्री होऊंगा तभी रिप्लाई दूंगा। आप कभी मैसेज ये मत कर देना कि आप बहुत रूड हो, ये हो, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों मेरे पास खुद भी पर्सनल काफ़ी काम है, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है दो दो जगह, तो मैं उधर ही बिजी रहता हूँ काफ़ी, मतलब कुछ टाइम निकाल के आप लोगों को दे पा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली कि मैं वीडियो बना के उसका सोल्यूशन दे दूंगा, मतलब इंक्लूडिंग की, मतलब बोलते हैं ना कि एक एक जन को मैसेज करने के बजाय मैं वीडियो बना के देना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ट्राई यही रहेगा कि मैं मैसेज का रिप्लाई बहुत कम दूंगा, आप मैसेज कीजिए, मैं वो मैसेज को रीड जरूर करता हूँ और अगर मेजोरिटी का मैसेज सेम होता है तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ रीजन कि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, मैंने उनको पर्सनली जाके रिप्लाई नहीं दिया, मैंने ये वीडियो बना दिया और अभी उनको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये वीडियो का लिंक मैं मेरे स्टेटस पे भी डाल दूंगा, अगर उनको अपडेट यूट्यूब से नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस से मिल जाएगा और वो जाके इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कीजिए YouTube पे भी, क्योंकि मैं YouTube के पहले कमेंट देखता हूँ मेरे WhatsApp के बजाय, मेरे को YouTube का पहले कमेंट देखने के बाद ही मैं WhatsApp का देखता हूँ और मैं YouTube के कमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और मैं उसके रिलेटेड जल्दी ही वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।